अपने कई बार सुना होगा कि जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है वहां अंदर समुन्दर की आवाज नहीं जाती। आज उसका कारण बताऊंगा कि आवाज क्यों नहीं जाती है। उसके पीछे कारण है हनुमान जी। एक बार नारद जी जगन्नाथ पुरी में भगवान जी से मिलने के लिए आए थे। द्वार पर खड़े मिले हनुमान जी। अब हनुमान जी ने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार करने के बाद नारद जी जब अंदर गए तब उन्होंने देखा कि प्रभु परेशान हैं। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि प्रभु संकट क्या है। तब जगन्नाथ भगवान ने उन्हें बताया कि यहाँ पे समुन्दर की आवाज की वजह से वो विश्राम नहीं कर पाए। और जब ये बात हनुमान जी को पता लगी तो वो क्रोधित हो गए और वो सीधा समुद्र के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि अपनी आवाज को रोक लो, मेरे प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। इस पे समुद्र देव ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैं इस चीज को नहीं रोक सकता, अगर हवा चलेगी तो आवाज तो आएगी ही। अब हनुमान जी ने पवन देव से बात की और बोला, इस तरफ की हवा रोक दीजिए। लेकिन पवन देव ने कहा, यह तो असंभव है, लेकिन हाँ आप एक काम कर सकते हैं, आप मंदिर की उल्टी दिशा में घूमिए ताकि हवा का प्रभाव इस तरह से बने कि मंदिर के अंदर समुन्दर की आवाज ना जा पाए। और हनुमान जी ने यही किया और आप देख सकते हैं कि समुन्दर की आवाज आज भी मंदिर के अंदर नहीं जाती। जय हनुमान जी की जय। सनातन धर्म।